आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2022 में सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड वाली 10 कारों की बात करेंगे। यदि आप निकट भविष्य में कार खरीदने का विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको अभी से अलर्ट होना होगा, अभी से उसकी बुकिंग करानी होगी, क्योंकि कई ऐसी कारें हैं जिन पर दो दो साल का लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। यानी आप 2024 की जुलाई में कार खरीदने का विचार कर रहे हैं कि दो साल बाद मैं एक कार खरीदूंगा, तो निश्चित तौर से आपको अभी उसको बुक कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो और लेट हो सकती है। तो सबसे 10 जो सबसे लंबे वेटिंग पीरियड वाली कार हैं उनमें नंबर 1 पे महिंद्रा की एक्चुअली 700 है, उस पर लगभग 22 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है वो चल रहा है। यानी यदि आप अभी एक्चुअली 700 को बुक करते हैं तो इसकी डिलीवरी आपको जून 2024 में मिलेगी। इसी प्रकार से लंबी वेटिंग पीरियड में नंबर 2 पे भी महिंद्रा की ही ऑफ रोड एसयूवी थार है। महिंद्रा थार यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस पर आपको लगभग 12 महीने या एक वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप बुक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले जो त्यौहारी सीजन है 2023 के त्यौहारी सीजन में आपको थार मिलेगी। थार पर जो वेटिंग पीरियड है लगभग एक साल का या 12 महीने का चल रहा है। वहीं नंबर 3 पे किया की कैरेंस है, 7 सीटर एमपीवी कैरेंस की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी सीमित है। इसके चलते इसका जो वेटिंग पीरियड है ये भी लगभग एक साल तक पहुँच चुका है। जो यदि आप कैरेंस खरीदने का विचार करें तो अब आपको यदि उसे बुक कर रहे हैं आप तो लगभग जुलाई 2023 में ये भी मिलेगी। इसी तरह से नंबर 4 पे मारुति सुजुकी की 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा रही है। अर्टिगा पर लगभग 9 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है इसके सीएनजी वेरिएंट पर। यानी आप अप्रैल 2023 में कार खरीदने का या अर्टिगा सीएनजी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो कल ही इसे बुक कर दीजिए ताकि आपको ये गाड़ी समय पर मिल सके। दूसरे जो वेरिएंट है सीएनजी के अलावा उन पे भी लगभग 7 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड अर्टिगा पर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 5 पे किया की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट रही है या सोनेट है, जो आपको लंबा इंतजार करवाएगी। लगभग 7 महीने का वेटिंग इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यानी अब से बुक कर रहे हैं आप तो ऐसा नहीं कि आपको त्यौहारी सीजन में सितंबर अक्टूबर में सोनेट मिल जाएगी। हालांकि कुछ अलग तरीके हैं डीलरशिप से संपर्क करके आप या बहुत सारे लोगों को जल्दी कारें मिल जाती है, लेकिन आमतौर पर जो कोई एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो नहीं लगाता है उसे 7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और किया सोनेट भी यदि आप अब बुक कर रहे हैं यानी जुलाई 2022 में बुक कर रहे हैं तो ये फरवरी 2023 तक आते आते आपको मिलेगी। छठे स्थान पर हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा रही है। क्रेटा पर भी 7 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि टोयोटा की फॉर्च्यूनर उतनी ही वेटिंग आपको करवाएगी जितनी क्रेटा और सोनेट करवा रही है। यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर के जो वेटिंग पीरियड है ये भी 7 महीने तक का चल रहा है। इसके अलावा मारुति सुजुकी बलेनो है, काफ़ी ज़्यादा बिकती है, लोग पसंद भी खूब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी सीमित है, जिसके चलते इस पर भी लगभग 5 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। यानी अभी जुलाई में आप यदि इसे बुक कर रहे हैं तो ये दिसंबर 2022 या उसके आसपास आपको मिलेगी। इसी तरह से नंबर 9 पे टाटा की नेक्सन है। ये भी सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है और सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवीज आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं, इसके चलते इन पर वेटिंग भी लंबा चल रहा है। नेक्सन भी आपको 5 महीने का इंतजार करवाएगी यदि आप नेक्सन ईवी खरीद रहे हैं, अदरवाइज आपको 4 से 5 महीने तक का दूसरा जो वेरिएंट है दूसरे उन पे भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हुंडई वेन्यू भी आपको 4 से 5 महीने तक का इंतजार करवाएगी। इसके अलावा भी ढेरों कारें हैं जिन पर लगभग 4 से 5 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। आप कौन सी कार खरीदने का विचार कर रहे हैं उसका वेटिंग पीरियड आपको पता है तो कमेंट में लिखें, और आपको पता करना है तो हमारे कमेंट में लिखें, हम आपको बताएंगे कि उस गाड़ी का वास्तव में वेटिंग पीरियड कितना चल रहा है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साथियों जैसे डिस्काउंट ऑफर होते हैं उसी तरह से वेटिंग पीरियड है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जहां डीलरशिप बड़े पैमाने पर है या उनका जो निवेश है कंपनी में वो ज्यादा है तो वहां गाड़ियों की सप्लाई ज्यादा होती है, जिसके चलते वहां पर वेटिंग पीरियड है वो कम होता है। और कुछ डीलरशिप छोटे होते हैं, उनका निवेश इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम होता है, लिया जा उनके सामने जो कारें आती हैं उनके पास डिलीवरी वो कम आती है। हालांकि अभी क्योंकि काफी ज्यादा डिमांड है कारों की इसलिए ये वेटिंग पीरियड चल रहा है, अदरवाइज डीलरशिप के सामने जो उनका मिनिमम कोटा यानी कम से कम इतनी कारें कुछ नियत समय में बेचनी तो वो बेचनी होती है तो वो ज्यादा डिस्काउंट देकर उन आंकड़ों को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहां या पिछले 2 साल से अभी स्थिति काफी उल्टी है, चिप की शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके चलते अब वेटिंग पीरियड लंबा होता जा रहा है। आशा करेंगे ये सूचना या फिर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।